हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं आपको ऐसे पत्तों के बारे में बताने जा रही हूँ जिसकी अगर आपने 4 से 5 पत्तियां भी रोजाना चबाकर खा ली तो इतने जबरदस्त फायदे आपको मिल जाएंगे कि आपको किसी और औषधि की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई और दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इन हरी पत्तियों के अंदर विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B6, विटामिन सी, फोलेट काफी अच्छी मात्रा में होता है। इसके अंदर विटामिन के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, खनिज भरपूर मात्रा में होते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद है। 6 ऐसे जबरदस्त फायदे बताने वाली हूँ कि अगर आप इसको खाते हैं तो वो आपको जरूर मिलेंगे। कितनी मात्रा में सेवन करना है, कब करना है, तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी 50 से 60 दिनों के अंदर अपना मोटापा घटाना चाहते हैं, आप अपने फैट को दूर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है, उसके व्हाट्सएप पर आप मुझे यस लिखकर भेजिएगा और मेरी कॉल आएगी। किस आसान से तरीके से बिना भारी भरकम एक्सरसाइज किए, बिना भारी भरकम डाइटिंग किए आप अपने आप को कैसे फिट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ सहजन यानी कि मोरिंगा की पत्तियों की, ऐसे जबरदस्त 6 फायदे जो शायद आपने इसके कभी सुने नहीं होंगे, और कैसे इस्तेमाल करना है बहुत आसान सा तरीका वो भी बताने जा रही हूँ। दोस्तों, एक्चुअली जो सहजन की यानी कि मोरिंगा की फूल है, पत्तियां है, उसका तना है, सब इस्तेमाल होता है, सब औषधीय गुणों से भरा हुआ है। लेकिन अगर कोई इंसान बाकी चीजें नहीं खाना चाहता तो सिर्फ इसकी पत्तियों का सेवन करके आप बहुत सारी तकलीफों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, सहजन की पत्तियों के अंदर मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, फास्फोरस, ये सभी चीजें काफी अच्छी मात्रा में होती है। तो इसका सबसे पहला फायदा जो मिलता है वो है डायबिटिक पेशेंट को। इसके अंदर एंटी डायबिटिक गुण मौजूद होते हैं जो शरीर में बढ़ी हुई शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। डायबिटिक के पेशेंट इस पत्तियों का सेवन अगर आप रोजाना करते हैं सैलड के साथ तो उनके अंदर कभी भी डायबिटीज नहीं बढ़ेगी, उनकी डायबिटीज हमेशा कंट्रोल में रहेगी। इसका नेक्स्ट और अगला फायदा जो है वो बहुत जबरदस्त है, स्पेशली महिलाओं के लिए और बच्चों में। आजकल खून की कमी देखी जा रही है जिसके कारण उनकी बॉडी में आयरन यानी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, खून कम बनने लगता है, एनीमिया हो जाता है, जिसके कारण उन्हें कमजोरी, थकान रहने लगती है। तो दोस्तों, अगर आप रोजाना 5 से 6 पत्तियां चबा कर खा लेते हैं, ऊपर से पानी आधा घंटा नहीं पीना, लेकिन जब आप चबा रहे हैं तो 1 घूंट पानी पीकर छोड़ दीजिए, इस तरीके से इसका सेवन कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा जिन लोगों की इम्यूनिटी पावर बहुत कमजोर है, अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना चाहते हैं, तो उनको रोजाना के रोजाना इन पत्तियों का सेवन जरूर करना है, क्योंकि इन पत्तियों के अंदर काफी अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करते हैं। अगले फायदे की बात करूं तो जो भी लोग ज्वाइंट पेन यानी कि जोड़ों का कोई भी रोग मान लीजिए, चाहे उनको ज्वाइंट पेन है, अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या फिर घुटनों में, जोड़ों में दर्द रहता है, तो उनको रोजाना ही इन पत्तियों का सेवन जरूर करना है। इन पत्तियों का रेगुलर अगर आपने 15 से 20 दिन सेवन कर लिया तो आपके जोड़ों का दर्द और जोड़ों में जमा हुई वाई खत्म हो जाएगी। ये जो वाई है जब हमारे जोड़ों में जमा होती है तो वहाँ के फ्लूइड को सुखा देती है, खत्म कर देती है, जिसके कारण घुटने आपस में टकराने लगते हैं, खटखट की आवाज आने लगती है। दोस्तों, इसका अगला फायदा है पेट में दर्द है, अल्सर है, इस सभी समस्याओं से अगर आप बचे रहना चाहते हैं तब भी आपको रोजाना इसका सेवन सहजन की पत्तियों का जरूर करना है। और लास्ट फायदे की बात करें तो ये हमारी चर्बी को भी मेल्ट करता है यानी मोटापे को भी दूर करता है, हमारी हड्डियों को ये मजबूत करता है, इसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस काफी अच्छी मात्रा में होता है। तो दोस्तों, ये ऐसे 6 फायदे हैं जिसके कारण इसका सेवन आपको रोजाना जरूर करना चाहिए। अब बात ये आएगी क्या इसके कोई नुकसान भी है और इसका सेवन कब किया जाए, तो करने का समय हमेशा खाली पेट होता है दिन में, तो दिन में सबसे अच्छा खाली पेट होता है सुबह के टाइम, फ्रेश होने के बाद आप इसका सेवन कीजिए। अदरवाइज सुबह नहीं कर सके तो किसी दिन दोपहर में या शाम में कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि अगर आप सुबह के टाइम ही इसका सेवन करें। दोस्तों, इसके अलावा इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है। ये जानकारी इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी, मैंने अपने तरफ से सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल आ रहा है तो आप जरूर पूछिएगा, अगली वीडियो में आपके उन सभी सवालों के जवाब जरूर दिए जाएंगे ताकि आपको आपका पता चल सके कि कैसे डिटेल में जवाब आपको मिल रहा है, क्योंकि टाइप करके देना शॉर्ट में होता है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।